Yeah!

वाइलास हाबिक़ वा या नूरल मदीचर के नाजरन बाज लोगों का ये मिजाज होता है कि वो बात बात पर तनकीद करते रहते हैं लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं उलझते रहते हैं और उनसे को बात करें तो फिर सामने जवाब इस तरह का देते हैं कि नहीं नहीं बात यह नहीं बात असल में यह है और इनको گویا કે એક ایسا مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو ખાઈ ના ખાઈ ખાઈ ના ખાઈ કે જરૂર રખिएगा ખાઈ ના ખાઈ મિલાવચે કોઈ ના હાજત શરઈ હોતી હે ના કોઈ મસલીહત શરઈ હોતી હે ઉતે مزاج apni baat ko manwane ka अपनी बात को वो फोकियत देने का कि बाद मैंने जो कहा ना वो सही है तो कभी किसी की बात में किसी के जुमलों में किसी के किस चीज़ में वो तनकीद करते रहते हैं खलल वाक़ करते रहते हैं और खाई ना खाई का एतराज़ वारित करते रहते हैं और यहाँ पर एक झगड़े की कैफियत बन जाती है यानी एक तो हमारे यहाँ झगड़ा वो होता है कि वो गिरेवान पकड़ो ये दिया ये मुक्का ये लात ये फेंका ये क्या ये नहीं झगड़ा जिसे इमाम गजाली ने भी लिखा रहमत ने तवायतें वग़ैरह जिस पर आई हैं जो मैंने शुरू में एक वजाहत की ना इसे हमारे यहाँ झगड़ा कहा जाता है जिसको आप कहते हैं लफज़ा पाए तो हाथा तो पाई होती है एक होते लफ्जा पाई ये हत्ता पाई तो चलो आप बोलो बदमाश आदमी है बुरा आदमी है गली का मद गुंडा है लेकिन ये लफ्जा पाई जो है ना और इसमें बड़े बड़े शोरफा कहलाने वाले लोग भी शामिल होते हैं अब हर कोई चाहता है कि मैं अपनी इल्मियत अपनी काबिलियत और अपनी चर्ब जबानी की धाक बिठाने में कामयाब हो जाऊं। अच्छा सारे के सारे तो इसमें मतलब के बोलने वाले नहीं होते कुछ स्लीपिंग पार्टनर टाइप के भी लोग होते और मतलब के वो बस और वो जो बुद्ध चर्म जवान होता है ना बहुत ज़्यादा और वो इतरा नहीं नहीं ये नहीं यूं है नहीं नहीं ये है बस उससे जैसे कि नहीं वो कसम खा लेता है कि मैंने किसी की माननी नहीं है हर एक की बात में मैंने कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जिसको हम कहते कीड़े निकालने ऐसे मिजाज वाले लोगों की भी हमारे यहाँ कमी नहीं है और बाज़ात इस तरह के मिजाज की वजह से आपस में झगड़े हो जाते हैं फितने हो जाते हैं फसाद हो जाते हैं यानी यूँ समझिए कि हज़रत सफ़ी सोरी रहमत ला फरमाते हैं कि मामूली मामूली चीज़ों में भी इख्तलाफ़ से बचो मसलन आपने आगे लिखा ये इमाम गजाली अलरहतल वाली ने नेहलू में नक़ल किया मसला अनार खट्टे हैं मेरा दोस्त कोई अनार खा रहा है तो अनार खट्टे हैं अब मैं कहता हूँ नहीं यार मिठाई तो यही बात हमारे बाहमी इख्तलाफ़ की बुनियाद भी बन सकती है अरे एक खाई न खाई का उलझना जो है ना इससे हमारी शरीयत जो है ना हमको बचाने की कोशिश करती है वजूहत इसकी बहुत सारी बनती हैं आपस की मोहब्बत, आपस का प्यार आपस का इत्तिफाक, इससे बाकी रहता है कि इंसान आपस में ये झगड़ों से बचे इस इस जुमले को याद कर लीजिए भी झगड़ा कहलाता है जो ज़्यादातर शरीफ कहलाने वाले लोगों में ये इसका रुझान पाया भी जाता है आप चुके के आप कहेंगे यार मौजू तो जन्नत की तैयारी है ये झगड़ा कहाँ से लेकर आ गया तो ये है जन्नत की तैयारी के लिए ये मौजू है इसलिए मैं आज हमारे मदनी चलने के नाजरन के लिए ये एक किसी तरह का एक मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ जब मैं आपको हदीस सुनाऊँगा इन शाह तला आप समझ आएँगे कि ये झगड़ा तर्क कर देना किस तरह हमें जन्नत की तैयारी करवाता है आइया मैं आपको पहले कुछ हदीस सुनाता हूँ हज़रत सईद ना अबू उमामा रजी अल्लाह त से रिवायत है कि दार रिसालत शहन शाह सल अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया जो ग़लती पर होते हुए अब एक एक हदीस के एक एक लफ्ज को वो सुनिए और उसको जहन नशीन करने की कोशिश कीजिए जो ग़लती पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा ग़लती पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किनारे पर एक घर बनाया जाएगा और जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ देगा उसके लिए जन्नत के वस्त में एक घर बनाया जाएगा और जिसका अखलाक अच्छा होगा उसके लिए जन्नत के आला मकाम में एक घर बनाया जाएगा कितनी प्यारी हदीस है जन्नत की तैयारी है अब जो तो मैं आपको दूसरी हदीस में सुना देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला तसलम ने इशात फरमाया झगड़ा छोड़ दो मैं हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ने वाले को जन्नत के किनारे वस्त और आला दर्जे में तीन घरों की ज़मानत देता हूँ तीन घरों की जमानत मेरे आका सल्लल्लाहु सल अल्लाह तसम दे रहे किसके लिए कि झगड़ना छोड़ दो मैं हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ने वाले को जन्नत के किनारे वस्त और आला दर्जे में तीन घरों की ज़मानत देता हूँ झगड़ा छोड़ दो बेशक मेरे रब अज़ अचल ने मुझे भूतों की पूजा से मना करने के बाद सबसे पहला झगड़ा करने से मन फरमाया है पहली हदीस तिर मजीद शरीफ की थी दूसरी हदीस तबरानी कबीर के हवाले से मैंने नकल की और जन्नत की तैयारी के आज के सूनवान में मैं यही लाया हूँ कि ये बहस और झगड़ा करने से जो है ना बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े और इख्लाफा पैदा होते हैं और इसकी वजाहत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला तैय ने बड़े प्यारे अंदाजे की है मौजू को बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सनट्रेशन चाहिए मुझे थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए तो इन शे मौजू बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यानी बहस व तकरार इस अंदाज से की जाती है हमारे यहाँ कि इससे बाहमी इश्तल पैदा होता है और बाहम आपस के लोग दस्तो गरेबान हो जाते हैं ये आपने देखा होगा नहीं शुरू शुरू में जैसे चाय की चुस्के लेते लेते बहस चलती है ना अब बहस इतनी फजूल किस्म का इख्तलाफ ना इस तरह फजूल किस्म के अख्तलाफात का रूप धारती है इंसान मुश्तिल हो जाता है और वो पहले तो चीखता है ना पहले चीखता है तो आपने देखा होगा कि बाद लोग कहते हैं यार आराम से बात करो इतनी चीखने की क्या ज़रूरत है? है आराम से बात करो तो यार इसको समझो ना ये क्यों इतना मतलब कि यार हर बात पे तनकीद हर बात पे तनकीद हर बात पे बेस हर बात पे तकरार मैं बात तो सही कर रहा हूँ ना तो अगला बोल नहीं तुम बात कहाँ सही कर रहे हो भाई खाली खाली तुम बात सही कर रहे हो अब ये थोड़ी देर पहले तो बड़े सुकून और आराम से बैठे हुए थे लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर एक पैदा होता है गर्म होता है वो नसें फूलना शुरू हो जाती हैं, आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं और जना वो थोड़ी देर के बाद उठकर कर दोस्तों गिरेबान करते फिर चार आदमी आता अरे यार छोड़ो यार क्या हो गया यार दोस्त यहाँ पर बात कर रहे थे तुमने लड़ना शुरू कर दिया इस झगड़े की बहुत सारी वजूहत में से बुनियादी वजह यही है कि इंसान खाई ना खाई खाई ना खाई अपने किसी साथी के बातों में खलल पैदा करता है तनकीद करता है और वो मतलब अपनी अपनी बरतरी जाता था मुझे इसका तो एक आधा दफ़ा ऐसा मतलब कि चंद दफ़ा तजुर्बाद हुए हम कहीं गाड़ी में जा रहे थे मैं बैरून मल्क की बात कर रहा हूँ हम गाड़ी में जा रहे थे ड्राइवर वो भी उस मुल्क का है उसी शहर का है गाड़ी चला रहे मैं पैसेंजर सीट पर मैं बैठा हुआ था पीछे एक दो और हमारे मतलब इस्लामी भाई होंगे तो जा रहे थे जाना मिसाल के तो भाई किसी इलाके में है मदीना इलाके का नाम मदीना कर देते हैं तो कोई भी इलाके का नाम कर लें अब वो जा रहे हैं अब वो जिसकी गाड़ी चला रहे वो भी उस शहर का आदमी है वो जा रहा है जा रहा है, उसने यूं लेफ्ट टर्न किया अरे यार सीधा चले जाते ना यार ऐसा सीधा यूं आ गया तो वो कह नहीं भाई यहाँ से जाऊँगा तो वहाँ से भी अब सीधा चले जाते तो क्या रश है यार सीधा जाते तो सीधा सीधा रास्ता था यू टर्न हो जाते अब ये दोनों अजीब व गरीब किस्म की बहस में पड़ गए तो मतलब मैंने चूंकि ये मौजू पड़ा हुआ था तो मैंने दूसरे जो जिसने वो एतराज़ किया मैंने बोझा तो यार इधर से आएगा नहीं आएगा इधर से आएगा मगर वहां से भी तो आता तो इधर से आएगा तो आप खामोश हो जाते यार अब वो क्या जरूरत है कि जरूरी है आपके पसंद के रास्ते पर ही हो जाएगा वहां क्या मतलब कोई चबूतरा बना हुआ जो देखते तो तुम खुश हो जाते हैं वहां क्या चीज देखनी थी आपको मतलब ये अब वो क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ बोला अब आ जा तो जाएगा कोई एक आध मिनट का फर्क पड़ जाएगा और क्या पड़ेगा लेकिन बहस इस चीज पर बहस उस चीज पर बहस यानी मैं जो कहता हूं ना मैं सही कहता हूं अच्छा अब ये कैसा बुरा मर्ज है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे बुजुर्गों ने बिलखसूस इमाम गजाली रमत लिखा है कि दूसरी की तहकीर का जज्बा अब इसमें क्या इंसान चाहता है कि मतलब चार आदमी के, के बीते मेरी बात होगी ना कि यार ये छा गया यार इसकी बात ये छा गया ऐसा चुप करा दिया उसने सामने वाले को तो क्या अगले अगला तह अगले की तहकीर है मेरी बर्तरी है अगले की तहकीर है अगला जलील होगा अगला रसुआ होगा अगला का मतलब डिग्रेड होगा लोग कहेंगे यार तुझे तो यार आता नहीं था खाली खाली तू बहस में पड़ गया यार देख कैसा तेरे को चुप करा दिया उसने अब वो जिसकी तारीफ होती है ना वो भी फूल का गुप्पा हो रहा होता है कि जना मेरी तारीफ़ हो रही है तारीफ़ हो रही है आप अपने मिजाज पर ज़रा गौर कीजिए प्लीज़ गौर कीजिए कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि ये जो अंदाज है ना कि बर्तरी चाना दूसरे की तहकीर का जज्बा और अपनी बढ़तरी की ख्वाहिश ये नफ्स की दो ऐसी ख्वाहिश और शहावतें हैं जिन पर काबू पाना बड़ा सख्त है यानी वावा होती है ना इसके अंदर और ये क्यों होता है इसकी भी वजूहत लिखी है कि इस इसकी एक वजह तकबूर है हाँ लिखा हुआ है झटकाना कहें तकबूर है तकबुर की कुछ जरासी मंदर होते हैं खुद पसंदी होती है चाह पसंदी होती है चार आदमी में वाह वाह करवाने का एक ऐसा जज्बा होता है फिर जो चुपड़ी रह सकता ना वो आप देखिए बाज तो चुप बैठे हुए थे अव्वल आकर चुप बैठे होते थे आपने देखा होगा अच्छा कभी आपने खामोश आदमी का कोई मुखालिफ देखा है कभी आपने नहीं देखा होगा ये जहाँ भी जाएगा जहाँ भी आएगा लोग उसको बुलाएंगे हर दावत में आपको वो नजर आएगा और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जब ये दावतों से जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि यार मेरा मना है कहता ना इसको मत बुलाना तूने बुलाया ना इसको देख क्या हुआ दावत ख़राब कर दी ना इसने अपना माहौल कहता खराब कर दिया हाँ यार क्या कह रहे लेकिन यार अब अब ऐसे मिजाज के लोग होते हैं यानी बाज़ लोग तो मैं थोड़ा से हटकर बात करता हूँ ऐसे अजीब व गरीब किस्म के लोग होते हैं इनके मिजाज में इतनी बहस तकरार और बिलखसु तनकीद छुपी हुई होती है चाय भर के दी भाई यार चाय तो पूरी भर हाँ भाई चाय में पूरी भर के दे देता हूँ थोड़ी देर उसको पानी दें यार पानी तो थोड़ा ठंडा पिला देते आप भाई ठंडा पानी पिला देता यार थोड़ा एसी तो तेज करते यार कैसा गर्मी है यार आपको यार पता नहीं है आप भाई लिए एसी भी तेज कर देता हूँ खाना बिछा दिया खाना खाया यार खाना तो वैसे अच्छा है और वो जो नहीं पकाया था अगर वो भी पकाते ना तो मजा आ जाता अब 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 वो तो पकाने से रहा अब बिचारी की वो बच्चों की अभी सुबह से लेकर शाम तक बावरची खाने के अंदर बेटी मेहमान आएगा उसकी तवाजो करती और आप निकाल के बैठ गए यार ये या हलवा थोड़ा ठंडा हो गया यार अरे भाई मैं हलवा भी माइक्रोवेव में गर्म करके दोबारा दे देता हूं आपने देखा ऐसे मिजाज के लोग होते हैं ये कभी किसी के पसंदीदा लोग नहीं बनते हाँ ये याद रखिएगा तनकीद इस तरह बेहस ही करना तकरार करना उलझना झगड़े करना इससे घर का माहौल भी बड़ा डिस्टर्ब होता है बड़ा डिस्टर्ब होता है घर का माहौल चाहे वो कैसे ही घर के बड़े हों छोटे हों जो भी हों इस पर ये गौर करे कि घर का माहौल ये जो डिस्टर्ब होता है ना इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और बहुत ज़्यादा घर में परेशानियाँ भी होती हैं तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए बाज़ लोग होते हैं जो अकमलियत की तलाश में रहते हैं यानी कि वो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं ना वो ऐसा ही होना चाहिए मैं जो चाहता तो वो बोलो मैं जितना चाहता हूँ इतना बोलो जो अल्फाज चाहता हूँ उतने अल्फाज बोलो मेरे पास जब भी बच्चा आए अटेंशन हो मैं जब भी बच्चों की अम्मी के साथ बैठूँ तो वो जब भी बैठूँ वो अच्छी बात करे कभी मेरे साथ कोई ऐसी बात करे ही ना मैं जब भी खाने पर बैठूँ हर खाना मेरे मतलब का हो मैं जब भी जाऊँ मेरे लिए सारे हाजिर हों हर चीज़ मेरे मतलब की हो हर चीज़ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो मैं जिस तरह लोगों का रवैया चाहता हूँ इसी तरह मेरे साथ रवैया हो बस मैं जैसा चाहता हूं ना वैसा होता रहे ऐसा ठीक 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 होता रहे तो याद रखिए कि इस तरह का आदमी ये कभी खुश नहीं रहता वो क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हो नहीं सकता तो ये साहब खुश नहीं रहता क्योंकि वो हर बात पर तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको ये नहीं करना चाहिए यार ये क्या लेकर कर बैठो यार ये क्या लेकर बैठो सीधे हो जाओ उल्टे हो जाओ खड़े हो जाओ बैठ जाओ ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो ये क्या लिया है वो क्या लिया है ऐसे नहीं बोलो वैसे नहीं बोलो इतना वो आदमी बोर करता है और इतना वो आदमी तकलीफ देता है फिर उसकी ज़बान भी तेज़ होती है बहस व तकरार की उसकी आदत होती है तेज़ धार की तरह वो इधर मार उधर मार इधर ज़ख्म उधर ज़खम उस पर तार फार मार धार करने में वो मशरूफ़ है अमल होता है और बात बात पर तनकीद करता है कदम कदम पर नुकता चीनी करता रहता है याद रखिए ऐसा शख़्स लोग इससे उकता जाते हैं फिर कहता है कि यार लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते लोग मुझे बुलाते नहीं हैं लोग मुझे बिठाते नहीं हैं लोग मुझे दावत नहीं देते यार आप सही हो जाना लोग क्यों आपको दावत नहीं देंगे आप बात बात पर तनकीद करना बंद कर दो बात बात पर बहस करना बंद कर दो बात बात पर झगड़े करना बंद कर दो को मुस्कुराना सीखिए को अच्छी सी बात करना सीखिए जब तक लाजमी ना हो जाए को ऐसी बात ना हो जाए जिस पर आपको टोकना आपको रोकना आपको बोलना लाजमी हो उस वक्त तक आप खामोश रहें दिल जो करते रहें मुस्कुरा कर बात करते रहें अच्छे अंदाज से बात करते रहें और हर चीज़ में वो कमज़ोरी निकालने की आदत ये दूर कर देनी चाहिए देखिए सरकार मदीना अलैहि वसल्लम के मुतल अमी आयशा सिद्दीका रफील्ल्ल तना फरमाती है कि कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला भूख होती तो खा लेते वरना छोड़ देते हजरत अनस रफी अल्लाह तनों का बयान है कि वल्लाह मैंने नौ साल रसूल पाक सल अल्लाह तसम की खिदमत की है नौ साल खिदमत में रहा मुख्तलिफ़ रिवायत बास में साल मुख्तलिफ भी हैं मुझे मालूम नहीं कि मैंने कोई काम किया हो और मेरे आकाश सल अल्लाह ने पूछा हो कि तुमने ऐसा क्यों किया मुझ पर आपने कभी चीनी नहीं की और वल्लाह ना कभी आपने मुझे उफ कहा है अगर आप में आजिज़ी और नरमी का मतलब कि वो जज्बा है तो आप कभी किसी से ये उलझेंगे नहीं किसी से बहस नहीं करेंगे खाई ना खाई का झगड़ा नहीं करेंगे बल्कि इस चीज़ को नोट करेंगे कि यार कोई ये मेरी बहस की और मेरी ये सारी आदतें ये कहीं मतलब मेरे, मेरे तकबर का सबब तो नहीं है ये मुझे तकबुर में मुबतला तो नहीं कर रही हैं कि मैं अगले को हकीर जानता हूँ भाई ये दो टके का हाथ में ये कल का बच्चा मेरे से बहस करता है अब आप बताए इसको आप क्या नाम देंगे इसको आप क्या नाम देंगे तकबर की तारीफ ये है कि खुद को दूसरे से बेहतर जानना सामने वाले को घटिया जानना अब ये सामने वाले को घटिया जानने की जो आदत है कि यह भाई ये कल का बच्चा ये क्या बहस करेगा इसको कितना आता है ये सारी चीज़ें गलत हैं मैं आपको थोड़ी बहुत बातें कुछ तकबूर के बारे में अर्ज़ करता चलूँ ताकि हम इससे बचने की कोशिश करेंगे ये बहुत बुरी आदत है देखिए हदीस पाक में है जिस शख्स के दिल में राय के दाने के बराबर तकबर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा अगर उसके एक आदमी को समझाओ ना यार क्यों खाली खाली बहस कर दो मैं किसी के बाप से डरता थोड़ी हूँ मैं किसी का माल थोड़ी को खाता हूँ नहीं भाई हम किसी से नहीं डरते भाई आप किसी से डरे कि नहीं डरे खुदा से डरे बिला इजाज़त शर् किसी मुसलमान का दिल दुखाना उसको चार आदमी के बीच में जलील करना खाई ना खाई खाई ना खाई उसकी बातों में इतराज़ बारित करना खाई ना खाई उसकी गुफ्तु में तनकीद करते रहना कभी इसके कपड़ों पर तनकीद अंदाज पर तनकीद कभी इसकी आइडियोलॉजी के अंदर कोई तनकीद करता है इस तरह के मिजाज के लोग कभी हर दिल अजीज नहीं बन सकते मैं समझा कि आपको हर दिल अजीज़ बनने का एक फार्मूला बयान कर रहा हूँ अगर आपको वाकई हर दिल अजीज बनना है तो लोगों के साथ अच्छे मिलाप से पेश आइए खंदा पेशानी से मिलिए बैठिए उनकी बात सुनिए और बेजा तनकीद से बचिए खानदान के अंदर भी बैठते हैं फैमिली का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है वालिद साहब अगर इस मिजाज के हैं ना करे माजरत के साथ मेरी बात को बुरा मत मानिएगा आप अगर आपका ये मिजाज है तो आपके बच्चे आपके इतने करीब नहीं आएंगे हमें हम गजारी रह ताला ले ने तहाँ तक लिखा है कि बच्चों की जो गलतियाँ देखो तो हर गलती पर टोकने के बजाय सरफे नज़र क्या करो सरफे नज़र क्या करो सरफे नज़र क्या करो थोड़ी जमा करें जमा करने के बाद फिर लेकर बैठेंगे बेटा देखो तुमने ये ये गलतियाँ की थी आप हर बात पर रोक टोक टोक हर बात पर तनकीद हर बात पर बहस करते रहेंगे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा भाई इंसान कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करता रहता है घर में अगर बच्चों की अम्मी तो कुछ ना कुछ उससे मिस्टेक्स होती रहेंगी आप भी आपसे भी तो रोज़ की कितनी गलतियां होती हैं लेकिन चूंकि घर का आप सरबरा हैं लिहाजा आपको ऐसा लगता है कि जो मैं बोलूंगा वो सही होगा और ये देखो ये सर झुकाकर सुन ही रहे हैं ये सर झुकाकर सुनते जरूर हैं लेकिन इनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं होगी दिलों में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं आप तो मोहब्बत से बात करना सीखिए प्यार से बात करना सीखिए बाद में फिर रियलाइज़ करता है आदमी के यार मैंने खाली खाली इसको डांट दिया खाली खाली इसको झाड़ दिया खाली खाली इसको टोक दिया फिर कभी को बात होती है कि तुमको मेरी मोहब्बतें भूल जाते हो मेरा एक बार का बोलना तुम्हें तो याद रह जाता है तो याद रखिए कि यही ये एक फितरी चीज़ है अमीर सन्नत ने एक ऐसा ही कोई चल रहा था कोई मौजू तो एक मिसाल पेश की मिसाल ये पेश की कि एक शख्स है आपके करीब बैठा है भूखा है खुशबू छोड़ती हुई बिरयानी आपके पास रखी हुई है और आप उसको बिरयानी के निवाले उठा उठा कर खिला रहे हैं ये भी तुम्हारे लिए ये भी तुम्हारे लिए ये बिरयानी के साइड में खीर रखी हुई है ये खीर भी तुम्हारे लिए ये सब ये तुम्हारे लिए अब आपने उसको ननानवे निवाले उसको अपने हाथों से खिलाए जब वो निवाले खा चुका पेट भरा उसको गरम लजीज बिरयानी आपने उसको अपने हाथों से बड़ी मोहब्बत के साथ आपने उसको खिलाई फिर ये प्लेट उठाई इसके मुंह पर मार दी ले भाई ये जब तेरे लिए अब बताइए कि ये ये निन्यानवे निवाले खिलाने याद रहेगा ये पेट मुंह पर मारना याद रहेगा अंडरस्टूड से बात है कि वो वो प्लेट कैसे बोलेगा कि यार ये क्या कर रहे? कैसे मेरे को नहीं खिलाता ये बात सिर्फ समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि बाजुकात इंसान ऐसी बहस कर जाता है ऐसी तनकीद कर जाता है ऐसे झगड़े कर जाता है ऐसी जबान से तीरंदाजी कर जाता है कि वो लोग भूलते नहीं हैं बस अपने अंदर आजिशी पैदा कीजिए इनकसारी पैदा कीजिए अपने अंदर नरमी पैदा कीजिए इन ये झगड़ों का हल अर्ज़ कर रहा हूँ झगड़े का हल यहाँ लिखा भी हुआ है इमाम गजाली रहमत ने अपनी किताब में लिखा है कि अपनी बरतरी अपने तकबुर के एहसास को कुचला जाए और तोज़ो पैदा की जाए और ख़ुद पसंदी ख़त्म की जाए ये इमाम गजाली ने इस झगड़े से बचने का हल अता फरमाया है कि अपने अंदर हम आजिज़ ही पैदा करें मैं सबसे बुरा हूँ निगाह करम हूँ मैं सबसे बुरा हूँ निगाह करम कर और जब तक के वाकई को मसली हत ना आ जाए अब वालद हैं बेटे को समझाने के एक अपना अंदाज है आप चार आदमी में बैठे हुए हैं तो सुनने की अव्वल तो सुनने की आदत पैदा कीजिए हौसला पैदा कीजिए और दूसरी पहली बात इससे पहले ये कि जिन बहसों का कोई फ़ायदा ही नहीं है अब आप बैठे हुए मुल्कि मामलों पर बहस कर रहे हैं ये हमारे जो आजकल के जो टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर इसी तरह के मौजूद भी चल रहे होते हैं हम बहस करते हैं ठीक है कोई मतलब कि ऐसा ना खुशगवार वाक्य सारी किसी दुनिया के किसी गोशे में पेश आ जाता है कोई मुसलमानों पर को सितम की बात आ जाती है कुछ तरह के ऐसे वाक़ात आ जाते हैं इंसान एक अफसोस का इजहार करता है अपनी अपनी हमदर्दी मुसलमानों के साथ उसका इजहार करने की वो एक कोशिश करता है नो डाउट ये एक मतलब कि अच्छी नीयत होगी और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मुसलमान भाइयों से बंद हमदर्दी करेगा तो अल्लाह ने चाहा तो उसको इसकी इसका वाब मिलेगा मगर हमारे मौजू भ भैंस जो है ना वो ऐसे नहीं होते हम मतलब एक पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और अजीब व गरीब किस्म के आ, मतलब के सोशल इश्यूज होते हैं फिर उसमें बेजा तनकीद होती हैं तो अब उस पर तनकीद इस पर तनकीद वहाँ से वो अपनी आइडियोलॉजी आता है बोलता नहीं अब ऐसा नहीं है इस वजह से हुआ था अरे नहीं भाई इस वजह से हुआ था महंगाई इसलिए आती है अरे वो बोलता अरे महंगाई इसलिए आती है तो क्या पता है महंगाई के इसलिए आती है तो मुझसे ज़्यादा जानता है यार पता पता क्या मैं कैसे किसों के साथ उठता बैठता हूँ तो पता है मैं उधर जा बैठता मैं उधर भी बैठता हूँ मेरा वो भी जानने वाला है मुझे उसने बताया था अच्छा तो बोलता क्या बताया था, मेरे को ने बता था। बोल, वो बड़ा है। क्या फायदा हुआ आटा सस्ता हो गया फ्रूट सस्ता हो गया कुछ भी नहीं हुआ कोई फ्रूटफुल गुफ्तु करें फ्रूटफुल डिस्कशन करें एक हासिल कलाम क्या सिवाय ये कि मैं अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो जाऊँ हासिल कलम किया वही नीचे जाएंगे वही फ्रूट महंगा नीचे जाएंगे वही दाल महंगी है नीचे जाएंगे वही मतलब के खाने पीने को दिगर अशिया वही महंगी की महंगी है फिर फ्रूट वाले को बहस करना शुरू कर देंगे अब फ्रूट वाले से बहस करेंगे फ्रूट वाला क्या करेगा खड़ा हो जाएगा आपकी बातें सुनता रहेगा अब चावल लेके बाद जाकर बहस करोगे क्या होगा उसने जो बेचना है उसी ने बेचना है तो बहसों से कुछ फ़ायदा नहीं होगा हाँ वाकई अगर आप महंगाई का इलाज चाहते हैं तो महंगाई का इलाज चाहने के लिए अपनी फजूलियात छोड़ दें इन शाली महंगाई नीचे आ जाएगी आप देखिएगा इकनॉमिक्स के जो उसूल पढ़े हुए हैं आपने भी पढ़े हुए हैं कुछ हमने भी दो बातें किताबों में पढ़ी थी मुआशियात या मईत के जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं मुशियात के आप डिमांड छोड़ दें प्रोडक्शन मार्केट के अंदर है रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे प्रोडक्शन कम हो डिमांड बढ़ जाए तो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं लोगों की जो हमारे यहाँ जो ज़रूरतें होती हैं वो कैसे अजीब व गरीब हैं तो हम महंगाई का मुकाबला करने के लिए जो प्रैक्टिकली से हम उसको यूज़ करें इंशाल्लाह महंगाई नीचे आ जाएगी मगर आपस के बहस करने से कोई महंगाई नीचे नहीं आती है इसी तरह और भी बहुत सारे मौजुए में मतलब बोलता नहीं हूँ आपको पता है कि कौन कौन से मौजू हमारे जेर बहस होते हैं तो ये कोई मतलब के हासिल कलाम कुछ भी नहीं होता आधा पौना घंटा बैठे चले गए इससे अच्छा कोई निकी की दावत दे दी जाए कोई नमाज की बात कर ली जाए कोई ज़कवात खैर की बात कर ली जाए किसी की मतलब के कोई हमदर्दी की बात कर ली जाए किसी का दिल खुश करने की बात कर ली जाए यानी मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी नशस्त हो हमारी हम भी जब भी बैठे हैं मैं ये अब जंगल में तो रहना है सर हमने बैठना है चार आदमी के बीच में दफ्तर में भी रहना है घर में भी रहना है और मुख्तलिफ जगहों पर हमने रहना होता है हम एक मतलब कि हमारी माशरती एक हमारी ज़िंदगी है सोशल लाइफ है हमारे लोगों में रहना है तो जब लोगों में रहना है तो जब भी लोगों में बैठे उठें इस बात को अपने पेश नज़र रखेंगे जब मैं वहाँ से खड़ा हूँ तो मेरे दामन में कुछ नकियाँ होनी चाहिए ये ये दिकल है यानी मैं अगर वहां से जाऊं तो मैं मुसलमानों का दिल खुश करके जा रहा हूँ इनके दिल में खुशी दाखिल करके जा रहा हूँ घर में आ रहा हूं अपने बच्चों को मैं खुशियां दे रहा हूं मैं घर से बाहर जा रहा हूं बाहर वाले मुझसे खुश हो रहे हैं मैं जहां जा रहा हूँ मुझसे लोग खुश हो रहे हैं आपसे कितने लोग नाराज़ होते हैं ये जो इस मिजाज के लोग होते हैं आपको पता है फिर तो कितनों की इस तरह आदमी बदुआ भी लेता रहता है लिहाजा खुश रहना सीखिए खुश रखना सीखिए साथ ही अपनी इन आदतों को निकालिए और इसमें आदतों को निकालने के लिए इमाम गजाली ताला लेने जो इलाज फरमाए अपनी बरतरी जताने का जो एहसास होता है ना उसको ख़त्म कर दीजिए तवाज़ो आजिज़ी पैदा कीजिए इनकसारी पैदा कीजिए कि सरकार मदीना सल्ल वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई के लिए तवाज़ो की अल्लाह उस को सर बुलंद करता है और जिसने इस पर बुराई जाहिर की अल्लाह उसको पस्त कर देता है हदीस खुदसी है जिसने मेरे लिए इस तरह तवाजो की इनकसारी की ये फरमा कर आपने अपनी हथेली से ज़मीन की तरफ़ इशारा किया मैं उसको इस तरह बुलंद करता हूँ ये फरमा कर आपने अपनी हथेली से आसमान की तरफ इशारा किया कितनी प्यारी हदीस है सैद फारुक़ आज़म्दील तौ फरमाए लोगो करो क्योंकि मैंने रसूल पाक सल अल्लाह तसल्म को यह फरमाते सुना है जो शख्स अल्लाह के लिए तोज़़ो करता है अल्लाह उसको बुलंद करता है और फरमाता है कि सर बुलंद हो अल्लाह तो ये सर बुलंद करे वो ख़ुद अपने आप को हकीत समझता है और लोगों के नज़दीक बहुत अजीम होता है और जो शख्स तकबर करता है अल्लाह उसको हलाक कर देता है और फरमाता दफ़ा हो वो ख़ुद अपने आप को बड़ा समझता है और लोगों की निगाहों में बहुत छोटा होता है हदीस है कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ़ वही फरमाई कि एक दूसरे के साथ तवाजो करो हती के कोई शख्स दूसरे पर फ़ख्र ना करे और कोई शख्स किसी के खिलाफ बगावत ना करे तो ये चंद मदनी फूल आज के इस में बयान में लेकर हाजिर हुआ था क्योंकि इस तरह लोगों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं इससे बहसें होती हैं और बाज़त घर भी टूट जाते हैं रिश्तेदारियाँ भी टूट जाती हैं नाराज़ हो घर मामू चले गए भाई नाराज़ हो गए अब क्या हो गया क्या हुआ क्यों मामू चले गए कुछ नहीं वो बेस हुई थी मैंने कुछ बोल दिया तो मामू को बुरा लगा मामू चले गए चचा चले गए मामू खाला चली गई वो खानदान वाले तो ये एक अच्छी खासी सी गैदरिंग जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो जाती है अबू दरदार रदी अल्लाह तु फरमाते हैं हमेशा लड़ना झगड़ना आदमी के गुनागार होने के लिए काफ़ी है सिर्फ बच्चे का सुन ले कि आदमी मुबाहत से भी खामोश रहे ये भी इमाम गजा ने लिखा मुबाहात यानी बोलना ठीक है जायज़ है लेकिन बगैर बोले चाह रहा तो है ना खामोश हो जाइए बोलने से खाली खाली मतलब के हो सकता है कि बदमसगी पैदा हो हर शख्स को अपने मुखालिफ और अपनी बरतरी मकसूद होती है तो इसलिए खामोश रहे दादाई रहमत ला उजरत नशीन रहा करते थे यानी गोशा नशीन तन्हाई में रहा करते थे किसी ने आपसे कहा कि आप लोगों में आए क्यों अलग रहते हैं फरमाया कि मैं ये बहस से नहीं बच नहीं मतलब लोगों में ये बहस वगैरह होती है ना इस वजह से तो किसी ने कहा कि उस आइए खामोश रहिए फरमाया खामोश रहने से ज़्यादा सख्त मुझदा मैंने नहीं देगा कि बात हो रही है मेरा जी चाह रहा है मैं बोलूँ उस वक्त बंदा खामोश हो जाए वाकई बड़ा मुश्किल काम है मगर यहीं कामयाबी है हक पर रहते हुए जो झगड़े को तर्क कर दे झगड़ा छोड़ दे एक बार फिर हदी सुनिए झगड़ना छोड़ दो मैं हक पर होते हुए मैं हक पर हूँ मैं हक पर हूँ मैं क्यों ना बोलूँ अगर झगड़ा तर्क करना है और हदीस पाक से जो मुराद हैं मैं उन मुरादों को सामने रखकर जो जो हदीस पाक से मुरादें हैं कि झगड़ा छोड़ने वाले को जन्नत के किनारे वस्त्र और अली दर्जे में तीन घरों की आकाम ज़मानत देते हैं झगड़ना छोड़ दो बेशक मेरे रब अज़ल ने मुझे बूतों की पूजा से मना करने के बाद सबसे पहले झगड़ा करने से मना फरमाया है तो अल्लाह हमें आजिज़ी अता करे इनकी सारी अता करे तकबर से बचाए अपने भाइयों को छोटा हक़ीर दिखाने से अल्लाह ताला हमें महफूज़ फरमाए और हम सबको आपस से मोहब्बत प्यार से रहने के तोहफ़ी अता फ़रमाए यही आदत बात घर बच्चों की अम्मी की होती है बहस झगड़ा ये क्यों किया? ये क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए यूँ इसी तरह मर्द अपने घर में बहस करता रहता है तो ये सब आपस की बहस की आदत निकाल दें बाप औलाद व वालदेन अपने बहस की आदत निकाल दें झगड़े की आदत निकाल दें बेजा तनकीद की आदत निकाल दें जहाँ तक हो सके जब्त करना सीखें सब्र करना सीखें अगर कोई बात आपकी तो़ो के मुताबिक नहीं हो रही आपके मिजाज के मुताबिक नहीं हो रही ठीक है मौका मिलेगा कभी बैठ कर मोहब्बत और प्यार से समझा दीजिएगा लेकिन जब्त और सब्र करना सीखें डायरेक्ट बोलना तनकीद करना झगड़ना बहसें करना इससे हो सके जितना बचने की कोशिश कीजिए जहाँ शरीयत वाजिब कर दे वहाँ बिल्कुल बोलें जहाँ वाकई को शरयी मसलियतें बिल्कुल शरीयत के दायरे में रहकर कर समझाएँ शरय तकाजा पूरा करना है वाकई आप शरीय तकाज़े पूरे करते हुए वहाँ पर उसको समझाने की कोशिश कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए हम सबको ज़ब्त और सबर अता फरमाए हमने अमीर सुन्नत को बारह देखा है बहुत सारे मामलों आपके सामने ऐसे होते हैं मैंने कई कई घंटों कई कई दिनों तक अमीर सुनत को एक किसी कई मैटर पर खामोश होते हुए देखा है कि खामोश रहते हैं कभी जाकर फिर कभी किसी मौके से मिलता है तो फिर अगला पिछला निकाल के सामने रख देते हैं कि आप ये भी था 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 आदमी रियलाइज़ करता है यार बापा ने अभी तक अपने जहन में महफूज रखा था बस वक्त का इंतजार करते हैं वाकई वक्त का इंतज़ार करते हैं आदमी का मिजाज उसका अंदाज़ उसके औकातः कार उसका मनसब देखते हैं हर जगह देखकर टू दी पॉइंट और बड़े ही मौके की मुनासिबत से बात करते हैं हम देखते हैं कि ये बात करने का ये जो एक खसूस शख्सियत का ये जो अंदाज़ है इस ये भी एक अमील सुनत का प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं कि लोग आपसे दूर नहीं भागते और करीब पर करीब होते चले जाते हैं लपकते हैं आपके ऊपर आपके ऊपर चिपकते हैं मगर आप हैं कि बस जब्त है सब्र है मब्बत है इनकी मोहब्बतों को इनके अंदाज़ को इनकी, इनकी अक़ीदतों को भी आप समझते हैं और सबको मोहब्बत और प्यार देते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफ़ी अतः फ़रमाए अल हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद